किससे बना होता है? क्रोबार क्या है, क्रोबार से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्रोबार को किन किन और नामों से एक वर्किंग साइट पर जानते हैं। सो वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो HSE माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888। स्वागत है साथियों एक और नई वीडियो में HSE माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888 में। हाजिर हम नए दिन और नए टॉपिक के साथ टॉपिक ऑफ टुडे। आज का जो टॉपिक है वो अपना है हैंड टूल सेफ्टी गाइडलाइंस फॉर प्रोसेस में क्रोबार। यानी कि आज अपन इस वीडियो के माध्यम से व्हाट इज क्रोबार, क्रोबार प्राइबर रैकिंग बार गोरिल्ला बार या पिंच बार के रूप में भी जाना जाता है। यह एक धातु युक्त उपकरण होता है जो आमतौर पर हेक्सागोनल ब्रांच सेक्शन धातु से बने होते हैं जिसके प्रत्येक सिरे पर चपटे बिंदु होते हैं। इस क्रोबार का कार्य किलो को हटाने या दो सामग्रियों या वस्तुओं को अलग करने में मदद करना। क्रोबार का उपयोग आमतौर पर किले लगे लकड़ी के बक्सों को खोलने के लिए किया जाता है। क्रोबार को माइनिंग में क्रोबार का उपयोग स्फोटिक चट्टानों को तोड़ने और रूप के किनारों से व काम वाली जगह पर लूज चट्टानों पत्थरों या लूज विस्फोटक चट्टानों को तोड़ने हटाने के लिए किया जाता है, लेकिन आधुनिक खनन में ऐसा बहुत अधिक नहीं होता है। तो सबसे पहले साथियों दूस फॉर क्रोबार, क्रोबार के साथ क्या करना चाहिए जानते हैं। फर्स्ट वन आ गया है द क्रोबार शुड हैव अ पॉइंट और टो ऑफ सच शेप दैट विल ग्रिप द ऑब्जेक्ट्स टू बी मूव्ड। यानी क्रोबार में एक ऐसे आकार का पॉइंट या अंगूठे जैसा शेप होना चाहिए जो किसी ऑब्जेक्ट को आसानी से पकड़ सके या लेकर जा सके। सेकंड पॉइंट है द क्रोबार शुड हैव अ हील टू एक्ट एज ए पिवट और फुलक्रम। यानी कि क्रोबार में स्थिरता और बेस के रूप में आधार के रूप में कार्य करने के लिए क्रोबार के पिछले भाग पाव की एडी के समान होना चाहिए। प्लीज चेक बिफोर यूजिंग द टूल्स। यानी उपकरण का उपयोग टूल्स या क्रोबार का उपयोग करने से पहले प्रारंभिक जांच कर ले कहीं से रस्टेड तो नहीं है, कहीं से जॉइंट तो नहीं है, कहीं तो नहीं किया गया है, कहीं से कोई टूटा फूटा सार पेजेस तो नहीं है। सिक्योर द ऑब्जेक्ट टू बी रिमूव्ड और डिमोलिश्ड। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड यू कुड एंड अप थ्रोइंग द ऑब्जेक्ट थ्रू द एयर एंड हिटिंग योरसेल्फ और अदर। यानी क्या हटाने या ध्वस्त की जाने वाली वस्तु को हमेशा सुरक्षित रखना है, ना कि अपने एक्सेस के आसपास या बीच में। यदि आप किसी ऑब्जेक्ट पर अत्यधिक जोर लगाने का या लगाया जा रहा हो हवा में उछल सकता है जिससे आप और अपने दूसरे कर्मचारी को चोटग्रस्त कर सकते हैं। इसलिए हमेशा आराम से ऑब्जेक्ट को रिमूव करें, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और एक्सेसिव फोर्स से भी बचना चाहिए। फिफ्थ है सी इफ देयर आर एनी ब्रेक बेल्ट्स और नेल्स अटैच बिफोर यू लीवर एन ऑब्जेक्ट्स अपार्ट। फ्लाइंग ग्लास एंड बोर्ड्स विद नेल्स कैन कट यू एंड रिजल्ट इन इंजरी टू अदर। यानी क्या किसी वस्तु को अलग करने से पहले देख ले कि कहीं टूटने योग्य वस्तु या किले तो नहीं लगी है। उड़ने वाले कील या बोर्ड आपको कट पहुंचा सकते हैं और अन्य व्यक्तियों को भी चोट लगा सकते हैं। सिक्स ऑलवेज प्रे विद द बार अवे फ्रॉम योरसेल्फ। यानी क्या क्रोबार को हमेशा अपने शरीर से दूर रखें जब भी आप वर्क कर रहे हो या क्रोबार की सहायता से कोई भी काम करने का प्रयास कर रहे हो उस समय। सेवन मेक श्योर द एरिया इज क्लियर सो दैट इफ यू आर प्रेइंग अबाउट समथिंग दैट कैन फॉल और फ्लाई थ्रू द एयर यू वॉन्ट हर्ट अदर पीपल्स। यानी क्या सुनिश्चित करें कि काम वाला क्षेत्र साफ सुथरा हो ताकि यदि आप किसी ऐसी चीज को अलग कर रहे हो जो गिर सकती है या फ्लाइंग हो सकती है, इस तरह की कंडीशन में अगर क्षेत्र साफ सुथरा होगा तो आप आसानी से वहां से दूर हो सकते हो जिससे कि आप और अन्य लोगों को चोटग्रस्त होने से सुरक्षित कर सकते हो। अब चलते साथियों और जानते हैं डोल्स फॉर क्रोबार। यानी कि क्रोबार जब भी क्रोबार का यूज अपन साइट पर कर रहे हैं तो क्या नहीं करना चाहिए जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डू नॉट लीव क्रोबार लेइंग ऑन शॉप फ्लोर्स और वर्क एरिया, दे मे कॉज ए ट्रिपिंग हैजार्ड्स। यानी क्रोबार को किसी भी फर्श या कार्य स्थल पर ऐसे ही ना छोड़े, वे किसी भी कर्मचारी को ठोकर लगने का खतरा पैदा कर सकती है। सेकंड नेवर पुट फिंगर्स इन लाइन ऑफ फायर व्हाइल यूजिंग क्रोबार। यानी क्रोबार को उपयोग करते समय कभी भी अपनी उंगलियों को लाइन ऑफ फायर में न रखें, यानी कि ऐसी जगह से न पकड़े जहां से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आपके हाथ या उंगलियों पर गिर जाए। थर्ड नेवर यूज अंडरसाइज्ड क्रोबार फॉर हेवी रॉक्स और ऑब्जेक्ट्स। यानी क्या भारी चट्टानों या भारी वस्तुओं के लिए कभी भी छोटे आकार के क्रोबार का उपयोग नहीं करना चाहिए। फोर्थ डू नॉट यूज क्रोबार विद एनी क्रैक्स और वेल्डेड जॉइंट्स। यानी किसी भी तरह की दरार या वेल्डिंग किया गया क्रोबार का उपयोग नहीं करना चाहिए। फिफ्थ एंड लास्ट नेवर क्विकली ब्रेक समथिंग अपार्ट स्पेशली इफ यू हैव नो आइडिया व्हाट इज बिहाइंड इट और इनसाइड ऑफ इट। यानी कि कभी भी किसी चीज को जल्दी से तोड़ना नहीं चाहिए, खासकर तब जब आपको पता नहीं हो कि इसके पीछे या इसके अंदर क्या है। तो साथियों इस वीडियो के माध्यम से आज अपन ने जाना कि क्रोबार क्या होता है और क्रोबार का वर्किंग साइट पर क्या काम रहता है और
जब भी क्रोबार के साथ अपन काम कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से आज अपन ने जाना है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।